क्या आप भी ट्रैवल करते टाइम पब्लिक प्लेस में अपना फ़ोन चार्ज करते हैं? ऐसे एक इंडियन ने अपनी जर्नी में एक पब्लिक प्लेस में अपना फ़ोन चार्ज में लगा दिया और उसके बाद बैंक अकाउंट से सीधे सीधे 16 लाख रुपीस गायब हो गए। ये एक रियल इंसिडेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर विद फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। ये इंसिडेंट हुआ है इंडिया हैदराबाद के एक सीईओ के साथ, जिसने अपना फ़ोन पब्लिक प्लेस में चार्ज किया था और बाद में उसके अकाउंट से 16 लाख रुपीस किसी ने निकाल लिए। चलिए देखते हैं आखिर ये हुआ कैसे और आप इससे कैसे बच सकते हैं। जिस तरीके से ये पैसे निकाले गए उसे साइबर क्राइम में जूस जैकिंग कहते हैं। इसमें पब्लिक प्लेस जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट और भी जगह USB चार्जिंग केबल में चेंजेस किए जाते हैं और फिर जैसे भी कोई अपना फ़ोन चार्ज करता है तो उसके फ़ोन का सारा डेटा हैक हो जाता है, अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं और भी क्रिमिनल मलिशियस चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में डाल सकता है, उसके बाद आपको आपके फ़ोन को पूरा अपने कंट्रोल में ले सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, USB पोर्ट से डेटा तभी ट्रांसफ़र होगा जब हम उसे परमिशन देंगे। तो इसमें दो सीनेरियोज हो सकते हैं कि आप गलती से उसको परमिशन दे दें या ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है और वो चार्ज करने के लिए समटाइम्स सोचते हैं कि मुझे परमिशन तो नहीं देनी पड़ेगी और वो दे देते हैं। तो ये सारे सीनेरियोज हो सकते हैं और इसके बाद भी अगर परमिशन, कई बार हैकर की स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं तो वो आपके सिस्टम को बिना परमिशन के भी हैक कर सकता है, ठीक है। तो अब इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए किसी भी पब्लिक प्लेस में USB केबल से फ़ोन चार्ज नहीं करना है, हमेशा अपने साथ पावर बैंक रखना है। अगर आपका चार्ज खत्म हो जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन हमेशा एडाप्टर के साथ ही चार्ज करना है, डायरेक्टली आपको कहीं भी इन नहीं करना है पब्लिक प्लेस पे। खासकर पब्लिक प्लेस में फ्री का वाईफाई यूज़ नहीं करना है भाई, किसी और के लैपटॉप या किसी भी डिवाइस से फ़ोन को चार्ज नहीं करना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हो सकते हैं और एक बार परमिशन देने के पहले आपको अच्छे से रीड करना है कि ये किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है, तभी आपको अलाउ करना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है या आप किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप नियरेस्ट साइबर सेल और पुलिस के पास जा सकते हैं और कंप्लेंट डाल सकते हैं, फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपकी वहाँ पता चल जाएगी। तो अगर आप ऐसी साइबर से रिलेटेड और इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रहने के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे कि लोग अवेयर रहें, सेफ रहें इस डिजिटल वर्ल्ड में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।